السلام عليكم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں 14، اور آج ہمارا ٹاپک ہے میش اینالیسز. ہمارا جو جنرل ٹاپک چل رہا ہے وہ چیپٹر نمبر 3 میں میتھڈز آف اینالیسز ہیں، بٹ کرنٹلی ویڈیو لیکچر وی آر ریکارڈنگ lecture about mesh analysis. We will be discussing mesh analysis. So this is the mesh analysis, and we have done good practice of nodal analysis so far. So क्या करते हैं नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज को एज्यूम कर लेते हैं. जितने भी हमारे नोड्स होते हैं उसके हम वोल्टेज को एज्यूम कर लेते हैं और हम हर नोड के ऊपर KCL लगा देते हैं. जबकि मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम सर्किट के अंदर मैशेस क्लोज पाथ्स ढूंढते हैं. और नोड एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम नोड्स ढूंढते थे और हर नोड को एक वोल्टेज दे देते थे और एक रेफरेंस नोड को जीरो वोल्टेज दे देते थे. अब वहाँ यहाँ पर नोड्स की बात होती थी और KCL अप्लाई करते थे बिकॉज KCL इज अप्लाइड ऑन नोड्स. मैश एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि ये इसके स्टेप्स हैं कि हर क्लोज पाथ के अंदर एक करंट असाइन कर देंगे. अब जैसे ये है, ये क्लोज पाथ है स्टार्टिंग फ्रॉम V1, R1 एंड R3. सो दिस विल मेक अप अ क्लोज पाथ. इसको हमने कहा कि दिस विल हैव अ करंट ऑफ I1. हमने क्लोज पाथ को I1 का करंट दे दिया है. और ये जो दूसरा क्लोज पाथ है इसको हम कहेंगे कि भाई इसमें से I2 गुजर रहा है. अब I2 कहाँ से, I1 कहाँ से गुजर रहा है, इसका मतलब I1 इसे V1 से गुजर रहा है और R1 से गुजर रहा है और R3 से गुजर रहा है. और I2 कहाँ से गुजर रहा है, I2 गुजर रहा है R2 से गुजर रहा है, V2 से गुजर रहा है और R3 से गुजर रहा है. अभी जो ये जो सेपरेट सेपरेट ये हैं डिवाइस एलिमेंट्स, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके अंदर तो R1 डेफिनेटली गुजर रहा है और इस V1 के अंदर भी I1 ही गुजर रहा है. इस R1 के अंदर भी I1 गुजर रहा है. अच्छा, इस R2 के अंदर I2 गुजर रहा है क्योंकि I2 यहाँ से यूँ गुजरता हुआ यहाँ से जाएगा और इस V2 में भी I2 गुजर रहा है. लेकिन इस R3 में क्या गुजर रहा होगा, इस R3 में I1 भी गुजर रहा है और I2 भी गुजर रहा है. तो अगर हम इस I3 को लिखना चाहें कि ये I3 कोई करंट है, तो ये I3 किस डायरेक्शन में है, आया कि ये I1 की डायरेक्शन में है या ये I2 की डायरेक्शन में है, बिकॉज I1 इज ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स एंड I3 इज ऑल्सो गोइंग इन द डाउन डायरेक्शन. दैट मीन्स I3 इज इन डायरेक्शन विथ I1. यानी ये जो I3 है जो कि इस R3 से गुजर रहा है वो I1 के बराबर है, I1 के डायरेक्शन में है. लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बिकॉज I1 भी गुजर रहा है R3 से और I2 भी गुजर रहा है, और I1 गुजर रहा है डाउनवर्ड्स और I2 गुजर रहा है अपवर्ड्स. तो इसका जो नेट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग दिस I3 इन द डायरेक्शन ऑफ I1, दैट्स व्हाई वी विल बी जस्ट सब्ट्रैक्टिंग, वी विल जस्ट डूइंग इट एज I1 माइनस I2. इफ आई जस्ट आस्क यू कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई I2 की डायरेक्शन में क्या करंट गुजर रहा होगा इस R3 में से, तो हम कहेंगे I2 की डायरेक्शन में गुजर रहा होगा, दैट इज अप टूवर्ड्स अप. हम कहेंगे कि I2 माइनस I1. अब देखें जैसे ये ना, ये ज़रा थोड़ी सी डिटेल है, अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे ना तो बहुत ही आसानी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए. लेकिन इसको ध्यान से लगा के एक बार सुन ले. मिसाल के तौर पर एक ट्रैफिक जा रही है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे, और एक ट्रैफिक आ रही है एक पॉइंट बी से पॉइंट ए पे, एक डबल डबल साइड डायरेक्शन का रोड है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि वॉट इज़ द नेट कार्स और व्हीकल्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा पॉइंट बी से पॉइंट ए पर कितने आ रहे हैं. तो आई विल से दैट द नंबर ऑफ कार्स दैट आर गोइंग द नंबर ऑफ नेट कार्स दैट आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द कार्स विच आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड द कार्स विच आर कमिंग फ्रॉम बी टू ए. सो आई होप दैट दिस मेक्स इट इज क्लियर इनफ तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो हमें अगर इस नीचे की डायरेक्शन में करंट लेना है तो हम कहेंगे I1 माइनस I2, और अगर ऊपर की डायरेक्शन में करंट लेना है तो हम कहेंगे I2 माइनस I1. अच्छा, अब ये इसके स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं.
असाइन मैश करंट्स आई वन आई टू आई थ्री एंड आई एन टू द मैशेज, जैसे हमने किया आई वन और आई टू। अप्लाई के वी एल टू ईच ऑफ द एंड मैशेज। अब हम इन हर मैच के अंदर के वी एल अप्लाई कर देंगे और इसकी मदद से हमारे पास एक इक्वेशन आएंगी, उन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व द रिजल्टिंग एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन टू गेट द मैश करंट्स। अब हमारे पास आई वन और आई टू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके इक्वेशन बना लेंगे और के वी एल अप्लाई कर देंगे। अब ये जो चीज़ें ना, ये जो है यहाँ से थ्योरी से समझ नहीं आएंगी, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ये एग्जांपल 3.5 है, इसको उन्होंने सॉल्व किया है किताब में, बट आई विल जस्ट ट्राई लाइक टू सॉल्व इट शो यू फ्रॉम माय ओन, दैट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। यू सी दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, 6 ओम्स, 4 ओम्स, 4 ohms, 10 and 10 volt supply, 10 ohms resistance and 10 volt power supply, 10 power ohms and 10 volt power supply. This is exactly the same. Achha, now what we will be doing, we will be just assigning currents to the meshes. Ab ye meshes mein humne current define kar diya IA aur ID. IA isliye liya hai ki already kitab ke andar maujood hai ki these are the currents of I1 and I2. To ye I1 I2 unhone kitab wale ne istemal kiye the, hum isko solve karne ke liye kuch aur variables ki hame zarurat hai. तो वी विल जस्ट यूजिंग आई ए एंड आई बी। अब करेंगे क्या, के वी एल अप्लाई करते हुए हम इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आई वन है, ये आई टू है और आई थ्री है। तो आई वन, अच्छा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आई वन इज इक्वल टू आई ए, आई ए भी वही वाला करंट है जो आई वन है। आई टू इज इक्वल टू आई बी, बट आई थ्री इज इक्वल टू द करंट थ्रू द सेंटर नोड, सेंटर सेंटर ब्रांच, जी सेंटर ब्रांच। अब इसके अंदर आई ए भी गुजर रहा है और आई बी भी गुजर रहा है। अच्छा तो इसलिए आई थ्री इज इक्वल टू आई ए माइनस आई बी। अच्छा अप्लाइंग ऑन द के वी एल ऑन द लेफ्ट लूप, ये लेफ्ट लूप है तो इसके ऊपर हम के वी एल अप्लाई करेंगे। अच्छा तो के वी एल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15, यहाँ से ये माइनस 15 और इसके ऊपर वोल्टेज लिखना है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर ओम्स हो जाएगा और हम सिर्फ आई ए भी नहीं ले सकते क्योंकि वो करंट हो जाएगा। तो अब इस पर वोल्टेज लिखना होगा तो ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर और 5 मल्टीप्लाई बाई आई ए लिखेंगे हम। तो ये देख लें माइनस 15, माइनस 15 प्लस 5 ए और फिर इसके बाद ये रेजिस्टेंस है और इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई आई ए। अब 10 मल्टीप्लाई बाई आई ए, लेकिन इसमें से करंट तो आई ए नहीं गुजर रहा है, इसमें तो आई ए माइनस आई बी गुजर रहा है, इसलिए हम इसके बाद लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई आई ए माइनस आई बी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाई आई ए माइनस आई बी। और फिर जो है 10 वोल्ट की सप्लाई आ गई क्योंकि ये जो 10 वोल्ट है ये वोल्ट ही है पूरा का पूरा एज इट इज़। हम के वी एल में वोल्टेज की बात करते हैं तो ये वोल्टेज, तो हम यहाँ पर प्लस 10 लिख देंगे, ये प्लस 10 लिख दिया और ये इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि एक तरफ वेरिएबल्स हो दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट हो ताकि कैलकुलेटर में डायरेक्ट आराम से हम इसको डाल सकें। तो ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन। अप्लाइंग केवीएल ऑन द राइट लूप, इसी तरीके से हम केवीएल अप्लाई करेंगे राइट लूप पे, माइनस 10 केवीएल ऑन राइट लूप माइनस 10 और फिर इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है। आप पीडीएफ में फाइल खोल लें अपने, इस फाइल को निकाल लें एग्जाम्पल 3.5 को और इसको जो डायरेक्शन है वो आई बी माइनस आई ए है। अब हम जो जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 10 आया, ये देखें ये माइनस 10 आया और फिर क्योंकि करंट भी डायरेक्शन जैसे हम ले रहे हैं उस साइड पे हमें पॉजिटिव होता है तो ये करंट की डायरेक्शन हम नीचे से ले रहे हैं, इस रेजिस्टर के अंदर जा रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई वी विल बी टेकिंग इट पॉजिटिव। तो आई बी माइनस आई ए कर देंगे इसको, फिर ये हो जाएगा 6 आई बी और प्लस 4 आई बी इज इक्वल टू 0। लेकिन यही हुई है 6 आई बी और प्लस 4 आई बी और इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और इनको अगर हम सॉल्व कर लें यूजिंग कैलकुलेटर तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आई ए इज इक्वल टू 1 एंड आई बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि आई थ्री इज इक्वल टू आई माइनस आई बी, दैट मीन्स आई थ्री इज 0 इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। अच्छा अब हम जो है इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5। ये सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 3. एग्जांपल 3.6, ये रहा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5। अब ये हम वीडियो लेक्चर में 3.5 को कवर कर रहे हैं और इसके अंदर ये सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है दो और दो करंट्स हमने
एज्यूम कर लें। आई विल जस्ट शो यू दिस 3.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन द बुक। तो ये 3.5 बुक में है, दो इसके अंदर पावर सप्लाईज हैं और दो इसके अंदर इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। इंडिपेंडेंट लूप वो होता है जिसके अंदर कोई ऐसी ब्रांच शामिल हो जो पहले किसी और ब्रांच में ना आई हो। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ इंडक्टर इंडिपेंडेंट लूप, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट मैश या लूप, लेकिन द आउटर मोस्ट लूप राइट नाउ इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट लूप बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं आ रही जो हमने पहले इस्तेमाल ना की हो। अच्छा, अब इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। अब हमने अप्लाई किया ऑन KVL, इस लूप पे KVL अप्लाई किया, तो जो भी साइन पहले आएगी ना उसको हम पहले लिख लेंगे, इसको आप नोट कर लें। तो ये -5 -45 आ गया, और करंट क्योंकि ये I1 गुजर रहा है टूवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है कि यहाँ से ये एंटर हो रहा होगा और जहाँ से भी करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव में रजिस्टर में, तो दैट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। तो दिस इज़ अ पैसिव साइन कन्वेंशन, तो पॉजिटिव ले लिया 2I1, ये I1 है, ये इसमें से गुजर रहा है, ये ओम्स में लॉ अप्लाई करके 2I1 इज इक्वल टू वोल्टेज, और इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो गुजर रहा है 12I1 -I2, इसलिए हमने इसको लिखा है 12I1 -12I2। इसमें से जो करंट गुजर रहा है, जो वोल्टेज होगा वो होगा I1 -I2, जो नेट करंट गुजर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ I1, दैट्स वाई वी विल जस्ट टेकिंग इट एज 12 × I1 -I2 ब्रैकेट में क्लोज। सो दिस विल बिकम 12 I1 -12 I2, और फिर ये एक रजिस्टर आ गई है 4 I1। तो ये इसको लिख लेंगे, जीरो करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारे वेरिएबल्स एक तरह जमा करके जीरो करेंगे। अब KVL अप्लाई करेंगे हम लॉ लूप टू, ये आप खुद अप्लाई करें। आप देखें कहाँ से स्टार्ट किया, -12 I1 से, तो -12 I1, ये I1 था, ये इसमें से जो करंट गुजर रहा है I2 -I1 है, तो ये था 12 × I2 -I1। तो -I1 था, तो -I1 × 12 = -12 I1। अच्छा, प्लस I1, और ये वाला ये करंट है, ये जो जो नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई वी आर जस्ट टेकिंग इट एज I1 विद रेफरेंस टू I2। I2 इस वक्त हम की डायरेक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 12 I2 हो गया। फिर यहाँ से ये 12 I2 हो गया, और ओहो 12 I2 हो गया, ये कौन सी सवाल मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5। अच्छा, इसी तरीके से जो है हम इसको अप्लाई करते चले गए, यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया माई प्लस 9 I2, यहाँ पे I2 गुजर रहा है 9 I2 9 × I2, और ये पावर सप्लाई है इसलिए इसको हम ले लेंगे 30, और फिर ये 3 की रेजिस्टेंस है इसको भी हम ले लेंगे 3 I2, ये हो गया 3 I2। और इसके बाद सप्लाई जो भी होगी वो इसको आप देखिए PDF के फाइल में साथ साथ, और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इसको सिंपल किया तो ये सिंपल हो गया, इक्वेशन 2 बन गई, इसको कैलकुलेटर में डाला, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो ये आपके पास सवाल आ गया, इसका जवाब क्या, I1 = 2.5 एंड I2 = 0। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ होगा, 13 मिनट्स हो गए हैं। ये काली स्क्रीन बहुत ख़तरनाक स्क्रीन है, बिकॉज एक बार ये अगर स्क्रीन पर फंस जाए ना और मुझे पता ही नहीं चले, तो मेरे तो डिस्कशन में मैं PDF में देख रहा होता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड में ये काली स्क्रीन हो रही होती है। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हाउ कम्बरसम इट बिकम्स टीडियस व्हेन यू हैव टू रिकॉर्ड अ लेक्चर सेकेंड टाइम। अच्छा, ये जो है अब हमने जो सॉल्व करना है वो है एग्जाम्पल 3.5। अच्छा, ये एग्जाम्पल 3.5 सॉल्व तो है, लेकिन मैंने आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाई है ताकि आपको जो है, नहीं एग्जाम्पल 3.5 तो हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 3.6। अच्छा, अब इसके अंदर 3 लूप्स हैं और ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर इन्होंने हमसे मांगा किया है, इन्होंने हमसे पूछा है कि I0 इस समय बताना है, I0 की वैल्यू, यहाँ पर कहीं I0 की वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ I0 कहाँ होना चाहिए था, I0 3.6 में I0, दिस इज़ I0, ये जो ऊपर जा रहा है ये वाला I0, ये I0 है, हमें यही मालूम करना है सिर्फ। लेकिन जब तक ये हमें नहीं मालूम चलेगा, जब तक हम इसको I3 मालूम ना कर लें, और I1 और I2 तो मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक साथ इक्वेशन सॉल्व होंगी तो तीनों इक्वेशन एक साथ ही आ जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन I3 बिकॉज I3 इज़ एग्जैक्टली I0, ये I3 गुजर रहा है तो ये एग्जैक्टली I0 है। अच्छा, सो ये टॉपिक तो बहुत आसान है इफ़ यू फोकस इट ऑन 100%, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स को इस मैश एनालिसिस में और नोड एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिर्फ वजह इसकी होती है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। तो
और समझते नहीं है गौर से और सुनते नहीं है गौर से। अगर आप सुने सही तरीके से बात समझ आ जाएगी। अच्छा, KVL अप्लाई किया हमने मैश वन पे, ये मैश वन है, ये -24 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 10, और I1 की डायरेक्शन में हमने इसको ले लिया, इधर पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, इसलिए I1 की डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, इसलिए हम लेंगे I1 - I2 या N1 - I2 ले लिया। ये है 12, लेकिन इसके अंदर जो करंट जा रहा है I1 - I3 जा रहा है, तो ये I1 - I3 ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये इक्वेशन 1 बना ली। फिर इक्वेशन 2 पे अप्लाई किया, ये इक्वेशन 2 है, और हमने इसको स्टार्ट किया 10 I2 - 7, 10 I2 - I2 ऊपर जा रहा है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, इसलिए 10 I2 को पहले का, और I1 - ऊपर से आ रहा है, दैट विल बी N-। तो नेट करंट जो नीचे से ऊपर जा रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ I2 वो होगा I2 - I1। फिर 24 I2 है, ये 24 I2 है, ये फिर 4 I0 है, लेकिन I0 की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी कि यहाँ पे 4 I0 तो पावर सप्लाई है, ओह नो, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, 4 I3 कर दिया ये। दूसरी इक्वेशन कहाँ थी, ये ली, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, -10 I1 और 38, ये वाली 24 I2, ये 24 I2 आ गया, ये 24 I2 आ गया, और फिर ये आ गया 4 I0। अच्छा, ओके, सो चले मैच टू जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है मैच टू में, बिकॉज व्हाट पाथ आई हैव टेकन, थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। ओहो, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 एंड व्हाट प्रॉब्लम आई एम जस्ट हम कर रहे हैं वो एग्जांपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये एग्जांपल प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, सही है। तो मैश टू है ये, मैश टू है, तो 24 I2 4 - I2 - I3। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको क्या ये, मैं कहाँ पे क्या सोच रहा था। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आए, मैं इस स्कूल पे चला गया, ये इस पे नहीं जाना था, ये इस पे जाना था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे वीडियो एडिट नहीं करनी है तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा कि क्या क्या कि 24 से मुझे यूँ जाना है, ये मैच यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये तो इसके अंदर I2 - I3 करंट गुजर रहा है, I2 - I3 ये मैंने लिख दिया, और वापस हम अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने अप्लाई करना शुरू किया था। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये 10, इसके अंदर करंट कितना है I1 - I2, तो ये वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ I2, तो I2 - I1, फिर ये 24 I2 और फिर ये इन द डायरेक्शन ऑफ I2, तो I2 - I3 क्योंकि नीचे से करंट जा रहा है I3, और इक्वल टू जीरो कर देंगे इसको, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर हम मैश एनालिसिस अप्लाई करेंगे ऑन मैश KVL अप्लाई करेंगे थर्ड लूप में। अब थर्ड लूप में मैं अप्लाई किया, इसको आप खुद ही समझिएगा थर्ड लूप में, लेकिन ये 4 I0 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ अ डिपेंडेंट पावर सप्लाई 4 I0, सही है। अच्छा, फ्रॉम द सर्किट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I0, अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्किट I0, वो मैंने गलत दिखाया था आपको, मैंने शुरू में जो सर्किट दिखाया था I0 वो यहाँ पे दिखाया था, ये तो 3. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 है, हम तो जो कर रहे हैं इस वक्त एग्जाम्पल प्रॉब्लम 3.6 कर रहे हैं, ये देखिएगा हमारी जो सवाल है वो एग्जाम्पल 3.6 है, ये वाला है, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि I0 कहाँ है, तो ये I0 है इसके अंदर, यहाँ पे वाली, इस वाली में I0, ये जो जा रहा है 10 ओम्स के डिस्टेंस में। अब आप बताएं कि I0 कौन सा होगा इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, ये होगा कि I1 की डायरेक्शन में है I0, तो I1, और इससे अपोजिट जो करंट आ रहा है वो इसमें आ रहा है I2, तो ये होगा I1 - I2। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन I0 की जगह पे I1 - I2 रख देंगे, और फिर ये क्योंकि ये फोर्थ वेरिएबल हो गया है, हमारे 3 वेरिएबल्स हैं I1 से लेकर I3 तक, और 3 इक्वेशन हम बना सकते हैं, तो वी जस्ट कैन नॉट हैव फोर्थ वेरिएबल, तो हमने फोर्थ वेरिएबल की एक इक्वेशन सर्किट में से निकाल ली कि फोर्थ वेरिएबल की वैल्यू है क्या इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल 3 वेरिएबल्स I1 और I2 एंड I3, तो ये पता चला I1 - I2 है। पुटिंग द वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाइंग, तो कैलकुलेटर में डालें तो ये आपके पास आंसर्स आ जाते हैं।
दैट इज़ 2.25 इज़ I1, I2 इज़ 0.75 एंड I3 इज़ इक्वल टू 1.5। और मालूम तो हमें ये I1, I2, I3 नहीं करने थे, हमें तो I0 मालूम करना था, और I0 को हम पता चल कर सकें कि दैट इज़ I1 माइनस I2, तो हमने दो वाली को माइनस कर लिया, 2.25 को माइनस 0.75, तो ये 1.5 आ गया, और जो वही हमारा आंसर भी है, ये रहा 1.5 आंसर है। सो अभी इसका हम वीडियो तक यहीं पे एंड करते हैं, 20 मिनट की हो भी चुकी है, और इसके अलावा मैश एनालिसिस पे एक और लेक्चर करेंगे, और फिर मैश एनालिसिस भी ख़त्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।